उपलब्ध हम कराएंगे। लेकिन बीच में रूस और यूक्रेन बाहर के कारण भी, बाकी परिस्थितियों के कारण भी, जो फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा। तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया था कि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दी सरकार, और इस साल भी इसके आसपास ही राशि जितनी भी जरूरत होगी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। आधुनिक तकनीकी ऐसी, आपने 100 नई पद्धतियां कृषि जिनको डेवलप करने का काम किया है, जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी इन 100 दिनों में। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कमी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। दूसरे, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को, तब देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का, तो किसानों के खाते में वो डाली जाएगी।